दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि मिनी राउंड स्पीकर के चार्जिंग कनेक्टर उखड़ जाए तो कैसे लगाएंगे। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको इसमें चार्जिंग कनेक्टर लगाकर दिखाते हैं। तो इसको हमको पहले खोल लेना है, ऐसे करके देखिए। ये देखिए दोस्तों, इसमें का चार्जिंग कनेक्टर जो है वो उखड़ गया है। ये देखिए, और इसमें हम नया कनेक्टर कैसे लगाएंगे देखिए। ये यहाँ पे हमारा चार्जिंग कनेक्टर लगा था और उखड़ गया है। तो इसको हमको क्या करना है, पहले दोस्तों थोड़ा सोल्डिंग लगाकर इसको सोल्डिंग आयरन से सफ़ा कर लेना है। हल्का पेस्ट लगा लेते हैं, फिर सोल्डिंग से सफ़ा कर लेते हैं इसके प्रिंट। ये देखिए दोस्तों, हमने इसको सफ़ा कर लिया है। अब इसको हमको क्या है, इसमें नया कनेक्टर जो है उसमें हल्का पेस्ट लगाकर उसको भी सोल्डिंग से थोड़ा सोल्ड कर लेते हैं। ऐसे करके अब इसके जो हमारी तिली है उनमें भी हल्का सोल्डिंग लगा लेते हैं। ये देखिए, हमने इसमें लगा लिया है। अब इसको हम उसी जगह रखकर सोल्डिंग आयरन से जोड़ देंगे। ऐसे करके सोल्डिंग आयरन से इसको हम सोल्ड कर देंगे। और इधर का भी सोल्ड कर देते हैं। इसको हम और मजबूत कर देते हैं ताकि उखड़े ना। अब दोस्तों हमको क्या करना है, इसके पीछे के जो हमारे प्रिंट है उनको जोड़ना है। तो उसको भी हम सोल्डिंग आयरन से ही जोड़ेंगे। ऐसे करके ऐसे इसको भी हम जोड़ देते हैं। ये देखिए, देखिए दोस्तों, हमने इसके सारे प्रिंट जोड़ दिए हैं। अब इसको हमको आपको चार्जिंग में लगाकर दिखाना है, तो आपको हम दिखा देते हैं। ये देखिए दोस्तों, हमारा चार्ज चलने लगा। तो चलिए दोस्तों, उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए। चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।